लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की दो लड़कों की जोड़ी ने बीजेपी को ध्वस्त करने का काम कर दिया। बीजेपी के 400 पार के नारे की हवा निकालने का काम यूपी ने किया और इस यूपी में सबसे ज्यादा जो उलटफेर हुआ उसका दारोमदार अखिलेश यादव पर रहा। अखिलेश यादव ने बेहद कमजोर पड़ी कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए जहां मोदी के सपने को चकनाचूर किया, वहीं अपनी पार्टी को देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया। अब अखिलेश यादव अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो इंडी गठबंधन में कांग्रेस का साथ लेना चाहते हैं। अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि 4 महीने बाद होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उनके साथ भाईचारे का बर्ताव करे और उनको भी विधानसभा में सीटें देने का काम करे। अभी उत्तर प्रदेश में अगले 2 महीने में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां 9 सीटों पर विधायक सांसद बने हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के एक सांसद को जेल होने के कारण उनकी सीट खाली हो गई है। अब कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में इन विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस बीजेपी के टक्कर लेने के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें 3 या 4 सीटें देने का काम करे। अखिलेश यादव इस मामले में अभी खामोश हैं, उन्हें पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अखिलेश यादव अब कांग्रेस के ऊपर फ्री की डीलिंग नहीं करेंगे, फ्री का एहसान नहीं करेंगे, फ्री का गिफ्ट नहीं देंगे। अखिलेश यादव अब कांग्रेस के साथ गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स करेंगे और वो चाहेंगे कि अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में टिकटें लेना चाहते हैं, वो आगे 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन रखना चाहेंगे, तो ऐसे में कांग्रेस को भी उन्हें बराबर की सम्मान की सीटें दूसरे प्रदेशों में देनी पड़ेंगी। यानी अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को सीटें देने के लिए कांग्रेस रजामंद हो जाती है, तो उन कंडीशन में अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए विधानसभा के उपचुनाव में टिकटें देने का काम कर सकते हैं, 2 या 3 सीटें देने का काम कर सकते हैं। जहां राहुल गांधी अब यूपी की पॉलिटिक्स में दोबारा से अपना परचम लहराना चाहते हैं, वहीं अखिलेश यादव भी अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं, वो यूपी के सबसे बड़े नेता बने रहना चाहते हैं और इसके लिए वो कांग्रेस के साथ भाईचारे की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि कांग्रेस उनकी ख्वाहिशों को पूरा न करे, कांग्रेस उनको अनदेखा करने का काम करे और कांग्रेस उनको दूसरे राज्यों में सीटें ना दें। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी की खिल्ली उड़ाने का काम किया था और कहा था कि अखिलेश विखिलेश क्या है और उन्होंने समाजवादी पार्टी को टिकटें देने से मना कर दिया था, सीटों में हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस को बड़ा भुगतना पड़ा और कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर रहेगी, कांग्रेस की दुर्गति हो गई। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव के बलबूते पर ही कांग्रेस को लोकसभा में 7 सीटें जीतने में सफलता मिली है। अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं हुआ होता तो वहां पर 0 खाता ही कांग्रेस का खुलता। अब भविष्य की पॉलिटिक्स में अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की पॉलिटिक्स करना चाहेंगे, अगर राहुल गांधी पूरे देश में इंडी गठबंधन को मजबूत करना चाहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मजबूती के तौर पर, सबसे पहले टारगेट के तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पैर जमाने होंगे और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तभी मजबूती मिलेगी जब वो अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन में बरकरार रहें। अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन अधर में लटका हुआ है, क्योंकि वो गठबंधन लोकसभा चुनाव तक का था। अब आगे की पॉलिटिक्स के लिए अगर राहुल गांधी गठबंधन करना चाहेंगे तो उन्हें अखिलेश यादव की शर्तों को मानना होगा। राहुल गांधी के पास अब इस बात का विकल्प नहीं है कि वो अखिलेश यादव की डिमांड को ना कर सके, उन्हें अखिलेश यादव की बात को मानना ही पड़ेगा और हरियाणा में कम से कम 6 सीटें उन्हें अखिलेश यादव के कहने पर समाजवादी पार्टी को देनी होंगी। इस बारे में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और हरियाणा से संबंधित संजय लाठर के बेटे भी जुड़ना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की सियासत में भी अब गठबंधन के तौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नजर आ सकती है। इसी तरह महाराष्ट्र में भी 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने बलबूते पर समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीतने का काम किया था। इस बार समाजवादी पार्टी वहां कम से कम 1 दर्जन सीटें चाहती है। यानी
दोनों ही प्रदेशों में अगर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ भाईचारा निभाने का काम किया, गठबंधन धर्म निभाने का काम किया, तो उस कंडीशन में अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में भाईचारा निभाते हुए राहुल गांधी के साथ मिलकर भविष्य की पॉलिटिक्स करेंगे। पहले विधानसभा के उपचुनाव में उन्हें 2 या 3 सीटें देने का काम करेंगे, उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी की कांग्रेस साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ने का काम करेंगे। लेकिन अगर किसी कारण से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, अखिलेश यादव के आग्रह को मानने से इनकार कर दिया, तो उस कंडीशन में ना तो विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव 1 भी सीट कांग्रेस पार्टी को देंगे और ना ही 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। यानी अखिलेश यादव अब अपनी शर्तों पर ही कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे और कांग्रेस के लिए मजबूरी है कि अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन रखना है, अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बीजेपी के बराबर मजबूत होना है, अगर कांग्रेस को सत्ता में हिस्सेदारी 2027 में हासिल करनी है, तो अखिलेश यादव की बातों को मानना पड़ेगा और बातों के मानने के लिए ही उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों की भागीदारी करनी पड़ेगी, सीटों की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। अब देखने की बात यह है कि राहुल गांधी हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देने के लिए रजामंदी करते हैं, कितनी सीटें महाराष्ट्र में देने के लिए तैयार होते हैं, और इस हामी भरने के बाद ही उत्तर प्रदेश में दोनों ही पार्टियों का गठबंधन आगे बढ़ेगा। अगर अखिलेश यादव की बातों को नहीं माना गया, डिमांड्स को नहीं माना गया, तो अखिलेश यादव गठबंधन को टाटा बाय बाय कहने का काम करेंगे और भविष्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं रखेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हरियाणा में समाजवादी पार्टी की तरफ से मांगी जाने वाली सीटों के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की सीटों की दावेदारी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।